श्रावस्ती जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता महिला की मौत हो गई। मौत के बाद आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। जी आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला मल्लीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चमरपुरवा गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और मायके वालों में कोहराम मच गया, जैसा कि आप साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद में आए दिन किसी न किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और बस पुलिस कार्रवाई करती रहती है। आखिर कब तक श्रावस्ती जनपद में महिलाओं के खिलाफ अपराध होता रहेगा और पुलिस कब कार्रवाई करेगी? फिलहाल मल्लीपुर थाना पुलिस की टीम ने महिला का शव पंजीकृत कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि महिला की कैसे मौत हुई है। और मायके वालों ने फिलहाल के लिए ससुराल पक्ष के लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाया है और थाने पर तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं विवाहिता के परिजनों का साफ तौर से क्या कहना है। मामला है ये 18 जनवरी 2023 को शाम को 4:30 के लगभग एक रोहित नाम के आदमी है जिन्होंने थाने पे आके ये कंप्लेन दी कि इनका जो गांव चमरपुरवा पड़ता है, चमरपुरवा श्रीनगर, ये वहाँ के निवासी हैं और इनकी माँ को इनके ही पड़ोस में कोई मनोहर है, उनकी पत्नी पास के बगीचे में लेके गई, उनके साथ मारपीट हुई और फिर इनकी माँ ने ये घर आई और इन्होंने कंडेल का बीज खा लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो तहरीर थी उसके आधार पर मल्लीपुर थाने में 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इनकी मौत हुई कैसे, क्या मामला? सर देखा जाए, हम ग्राम सभा केवलपुर रुपेडीहा गांव के रहने वाले हैं। हमारा ससुराल सर है नवाबगंज में और हमारे साला के लड़के है वो हमारे सरपुतिन है और कम से कम लगभग 10-15 साल पहले उसकी शादी चमरपुरवा में हुआ था और कुछ दिन सही रहा है सर। इसके बाद में जो है वो दूसरे औरत से संबंध कर ली। कौन? भोला। उसके अच्छा, जिससे आप शादी लड़की के साथ किए थे? हाँ, उसका नाम भोला है, उसके पिता का नाम मुड़िया, चमरपुरवा के रहने वाला है। तो सर कुछ दिन तक तो सही रहा, इसके बाद में दूसरे से संबंध कर लिया सर। आए दिन उसको सर मारा करता रहा है, बेर बेर मारा करे, एप्लीकेशन दिया, फिर भी उसका सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ पर हम दिया रहे एप्लीकेशन। इसके बाद में कल जो है उसका जो है ईटा से मार करके और उसके पति भी खड़ा रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। अच्छा, किसने मारा है? उस औरत जिसके साथ संबंध था उसके दामाद के। अच्छा, ने बोला। हाँ हाँ। जिससे संबंध बनाया रहा है दूसरे औरत से। हाँ हाँ। वो औरत है। हाँ। ये जो आज लेके आया है इसको मारी नहीं है कल। अच्छा, आपके कौन लगती है जिसकी मौत हुई? सरपुतिन है। अच्छा, आपके सरपुतिन। हाँ। तो उसको मारा है सर, और मार करके इसके बाद में वो घर आई थी, इसके बाद में फिर लोग मारी है या जहर खिलाए देने, उसके लोग बताते हैं कि कंडेल का बिया खिलाए देने। कौन? उन्हें लोग। अच्छा, उनके परिवार वाले हैं? परिवार वाले ने जिससे संबंध रहा है वो जो दूसरा विपक्ष वाले। अच्छा, वो दूसरी वाली महिला। हाँ। हाँ। और इनके आदमी रहे तो उन्हें कुछ सुन के वो भाग गवा, जब ये खत्म हो गए इसके बाद में गाँव से भगा। अच्छा, पूरे मामले पर तहरीर थाने पर दी हो? हाँ, दिया गया। पुलिस का कार्रवाई कर दी? कोई गिरफ्तार उतार के सभी कुछ नहीं सर। वो जो महिला थी जो मारी सा है वो गाँव में है और वो अपन ये जब मर गई है तब गांव में से इधर उधर खसक गए।